Well, I'm Shyam Malhotra and this is Filmy Beat, the beat of films and the beat of life too. Thank you. मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने हमेशा कंस्ट्रक्ट किया और फिर डीकंस्ट्रक्ट किया. खुद ही बनाया है, खुद ही तोड़ा है. शरद एंड मी आर वेरी टू डिफरेंट पर्सनालिटीज. इन द सेंस आई एम वर्किंग फॉर. मुझे कभी लगा नहीं कि मैं रियलिटी शो करूं. मुझे रियलिटी शो देखने मजा आता है. मुझे हर साल मुझे थिंक हर एक रियलिटी शो के एटलीस्ट फोन्स आते हैं. बहुत चीज़ें कई बार फाइनल भी हुई हैं बट मैं लास्ट मिनट में बैकआउट कर जाता हूँ. तो उनको इतना पता है कि ये प्रोसेस चलेगा. टीवी आर्टिस्ट आर एक्सट्रीमली टेक्निकली वेरी साउंड. दे गेट टू वर्क एवरी डे फॉर आवर्स. सो technical, emotionally, they are on to another level. Hi guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Filmy Beat. आज हमारे साथ शरद हैं, जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट फिल्म प्रवाह. जी, yeah. प्रवाह. तो you know, उसके उसको लेके ये दर्शकों के सामने आए हैं. तो सबसे पहले तो शरद बात करना चाहते हैं. यू नो, शॉर्ट फिल्म ये एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म होता है. अगर आपकी फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा हो, कुछ भी ऐसा है जो दर्शकों के दिल को छू गया, तो इट कैन डू वंडर्स फॉर एन एक्टर. सो इस फिल्म के पीछे का रीजन क्या था अग्री करने का, इसमें स्टार करने का? देखिए, पहली बात तो आई थिंक शॉर्ट फिल्म जो है अब वो शॉर्ट के दायरे में नहीं रहती है. जी, हम कहते हैं शॉर्ट फिल्म, बट जो आइडिया जो होता है, जो थॉट जो होता है, वो लार्जर देन लाइफ होता है कई बार. सो आई थिंक शॉर्ट फिल्म का जो एक जैसे आपने कहा प्लेटफॉर्म जो हमें मिलता है कई बार, कि कोई जब कोई डायरेक्टर आता है कि हमें शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो उसके पीछे की जो 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 उनकी जो विजन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. जैसे इस अगर मैं इस कहानी की बात करूँ, प्रवाह, इट्स आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कहानी अगर मैं कहूँ, तो ये जर्नी के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में नहीं. okay. जिंदगी जो है वो जर्नी के बारे में. जिंदगी इज ऑल अबाउट जर्नी. कि आप रोज सुबह उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, ट्रैवल करते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं आपके पूरे दिनचर्या में. हमें पता नहीं डेस्टिनेशन क्या है. हम सो आई थिंक फॉर अस, हमारे लिए भी आई थिंक सबके लिए एक जर्नी किस तरह की है वो बहुत ज़रूरी है. तो प्रवाह में भी अगर आप देखेंगे शिवोहन की जर्नी जो है, कि उसकी सोच जब वो घर से निकलता है और जब घर वापस आता है, उसकी सोच में कितना बदलाव आया है, बहुत लोगों से मिलता है, और उसके मन में इतने ज़्यादा सवाल होते हैं, इतने ज़्यादा उसके अंदर इमोशंस होते हैं, और सबसे जाके वो शेयर करता है. कई बार होता ना कि हमारे मन इतना भरा होता है कि हमें किसको मिल जाए, बस हम बस सुना दें उसको. इनको भी मिल जाए, दोस्त मिल जाए, कोई फैमिली कोई मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, पेट मिल जाए, हम बस अपने उस, कई बार भड़ास भी होती है, कई बार इमोशंस होते हैं, कई बार फीलिंग्स होती हैं कि हम चाहते हैं बस ये निकाल दो, कोई तो सुनने वाला. तो शिवम के लिए वो उस सारे लोग मिले उसे उस जर्नी में, जिसने उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाया. यू नो, वो निकला खोज में कि मुझे लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं मिल रही. मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं जिसकी खोज में मैं निकला हूँ, मुझे पता नहीं, मैं कुछ तो खोज रहा हूँ. जैसे कई बार कहते हैं ना कि व्हाट यू सीक माइट बी सीकिंग यू. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, कि कई बार जिंदगी में ना बेस्ट है जस्ट फ्लो. मैंने लाइफ में कई बार प्लान किया था कि प्री प्लान किया था कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे. ट्रस्ट में, जितने आप प्री प्लान किया कभी कुछ वर्कआउट नहीं. और जब मैंने सोचा, सरेंडर किया मैंने यूनिवर्स को और नेचर को, और मैंने कहा अब मुझे फ्लो में जाना है. जब जब मैंने सरेंडर किया तब तब चीज़ें हुई. सो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि द रीजन आई डिड दिस फिल्म बिकॉज आई कुड कनेक्ट विद इट, आई कुड रिलेट टू इट. इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, इट्स अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, गेनिंग न्यू एक्सपीरियंसेस. उतार चढ़ाव हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उसी का नाम ज़िंदगी है. जी. तो आई थिंक आप भी अगर देखेंगी, आपको लगे अरे शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इस इंसान से मिला हूँ और मैंने ऐसे बातें की हैं, तो मैक्सिमम जो फीडबैक अभी आ रहा है कि 5 में से 1 कहानी है वो हमारे साथ हुई है. कोई कोई बोल रहा है 5 में से 2 कहानी हमारे साथ हुई है, कोई कह रहा है 5 में से 5 हमारे साथ हुई है. दैट इज समथिंग वेरी रिवॉर्डिंग फॉर द फिल्म मेकर एंड for the team also, right, that right. you can just say that, ah, right. ye meri kahani, right. ye meri kahani, that is important.
जाए। शरद, जैसे कि आपने कहा ये फिल्म जर्नी के बारे में है, हर इंसान की जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग होती है, एक्साइटिंग होती है, लेकिन एक एक्टर की जो जर्नी रहती है वो यू नो इट्स अ मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग। अगर मैं आपसे एवरीथिंग हाईएस्ट ऑफ हाईज एंड लोवेस्ट ऑफ लोस बेसिकली, सो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने ओटीटी टेलीविजन फिल्म्स तीनों ही प्लेटफॉर्म पे काम किया है, आपकी जर्नी अब तक की कैसी रही एंड आर यू हैप्पी, आर यू सैटिस्फाइड एंड आगे और कहाँ जाना चाहते हैं इस जर्नी में एज एन एक्टर? देखिए सवाल बहुत अच्छा है आपका, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत की थी कभी सोचा नहीं था कि आज हम ऐसे बैठ के बातें करें, इतनी बड़ी मीडिया फैमिली बन जाएंगी। तो आई थिंक इट्स बिन a life with no regrets as an artist, as a person also, बहुत सीखने को मिला, बहुत गलतियाँ की, थोड़ी बहुत सीखे भी इससे, नहीं भी सीखा, but that is the beauty of life, कि आप जो कई बार आप गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, यही जिंदगी। And trust me, I'll tell you, चूँकि इतना अच्छा सवाल है, मैंने जब भी सक्सेस को एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, मैं उसके बाद बहुत डर गया, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सक्सेस मिला है और फेलियर मिलेगा। उस फेयर ने मुझे कहीं ना कहीं एक कहते ना कि यूनिवर्स को मैंने कहीं ना कहीं एक वाइब दे दिया, एक एनर्जी दे दी, और मुझे फेलियर मिला। बहुत सक्सेस मिला एक शो में, बहुत ज्यादा। उसके बाद आपने देखा हो एकदम मैं शांत हो जाता हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ, यू नो, जैसे मैंने अभी जब लास्ट टेलीविजन किया 2-3 साल पहले, उसका मैं गायब हो गया, क्योंकि मैं डर गया था कि यार क्योंकि ये पता कहीं ना कहीं बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जब इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, कल अगर नहीं मिला तो क्या होगा। जैसे आज सब लोग मिलना चाहते हैं, जो मेरी फैमिली है, मीडिया फैमिली, कहीं मिलती है, बहुत प्यार से मिलती है, तो कल अगर नहीं मिली, यू नो दैट फियर, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि वो फियर भी होना जरूरी है और कहीं ना कहीं उस फियर को ओवरकम करना भी जरूरी है। तो जब भी मेरा कोई शो बहुत बड़ा हुआ, हिट हुआ, मुझे पता था कि उसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊँ कुछ टाइम के, जो मैं हुआ। अगर लोगों ने मेरा वर्किंग पैटर्न देखा है, मैंने लाइफ में बहुत कम काम किया है, उसका यही रीजन था, एंड लकली जो काम किया वो सबसे हिट हुआ है मेरा। तो जब भी कोई अच्छा बहुत बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, मैं गायब हो गया कुछ टाइम पर, फिर मैं वापस आया कि चलो अब लेट्स स्टार्ट अगेन। तो मुझे ना कंस्ट्रक्ट, और अगर मैं कहूँ डिस्ट्रॉय तो नहीं बोलूँगा, बट आई लाइक टू ब्रेक इट डाउन, अगेन कंस्ट्रक्ट, अगर अगेन ब्रेक इट डाउन, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है मेरे लिए, जो तो आपको लगेगा अजीब है, बट मुझे मज़ा आता है। मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है यार बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, फिर मैं चले जाता हूँ अपने शेल में। नहीं, यू नो इट्स वेरी डिफरेंट माइंडसेट, बट आई एम समवेयर रिलेटिंग टू इट, एंड आई वुडन्ट से इट्स गुड और बैड फॉर मी, बट लाइक अब मुझे लग रहा है कि यार नहीं, अब मुझे बाहर आना है, मुझे अच्छा वापस से कुछ एक अमेजिंग काम करना है। तो मे बी एक एनर्जी ज़्यादा फ्रेश होती है, एक फ्रेशनेस आती है, बिकॉज आप कुछ टाइम पे गायब हो जाते हैं, आप अपने आप पे, अपने आप को आप बहुत एनालाइज करते हैं, आप एक रेट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, जो आई थिंक ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फॉर यू, फॉर मी, एवरीबडी, वी नीड टू सिट डाउन एंड सी कि हमने क्या किया है यार, हमने सिर्फ काम ही किया है और हमने क्या किया, और इस काम में हमने क्या गलतियाँ किया, क्या नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आई थिंक उस पीरियड में करता हूँ, you know, so yeah, I think for me it's a very different kind of process which I follow, which is I feel many probably wouldn't agree, that you suddenly make something so beautiful and then you just want to get out of it and disappear for some time, but I think mera ab aisa na ek kahin na kahin mind condition ho chuka hai ji, jise log bahut complain karte hain mujhe social media pe, bahut zyada log bolte hain are gayab ho gaya yaar kyun, it happens with me. Right. But now I know I want to come back. Right. You know, so yeah. Right. Which I know I will come back in a very बहुत अमेजिंग तरीके से आऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं आपको, बट या शरद मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे यू नो आपने खुद ने कहा है इस जर्नी में गलतियाँ भी होती है, बहुत सही चीज़ भी हम करते हैं, जैसे रिसेंटली यू नो
परिणीति ने कहा था जब उनका एक फेज आया था वेयर शी वाज नॉट चोपड़ा या वेयर शी वाज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू नो शी वाज कीपिंग अवे फ्रॉम फिल्म्स, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें समझ में आया कि वो ऐसे उन्होंने बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स किए जो उन्हें पता था डीप डाउन कि दोज आर नॉट राइट फॉर हर, बट उन्होंने इसलिए किया क्योंकि लोगों ने कहा ये करो ये चलेगा, वो उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी सब उन्होंने कहा. ऐसे आपसे कुछ गलतियां हुई हैं करियर में जो आपको लगता है कि शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी? दिस इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट व्हिच आई हैव गिवन. हां, मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने हमेशा कंस्ट्रक्ट किया और फिर डीकंस्ट्रक्ट किया. खुद ही बनाया है, खुद ही तोड़ा है. फिर से कंस्ट्रक्ट किया है, फिर से उसे खराब किया है. मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार कि अब मेरे लिए वो चैलेंज हो जाता है. अच्छा, मैंने खराब किया, मैंने बहुत कुछ अच्छा अमेजिंग बनाया और मैंने खराब कर दिया उसको. बहुत ही अमेजिंग, ये एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट है, अंडरस्टैंडिंग, बट आई डोंट नो हाउ टू काइंड ऑफ पुट इन वर्ड्स एग्जैक्टली टू यू, बट आई थिंक, बट यस, कमिंग टू हर, जो जो परिणीति ने कहा, मैं लोगों के थॉट प्रोसेस से नहीं चलता हूँ. लाइक लोग तो मुझे कहते हैं बहुत दो ढाई तीन साल से कह रहे हैं कुछ कर लो कर लो, ये कर लो वो कर लो. नहीं, मुझे जब मेरा मन करता है तब मैं करता हूँ. लाइक बहुत अमेजिंग काम, बट जब तक वो यहाँ से आवाज़ नहीं आएगी या मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा प्रोजेक्ट के साथ, तो मैं मेरे लिए, पता है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उस कैरेक्टर को देखना और उसकी आंखों में देखना कि वो मुझे देख रहा है. मैं तो देख रहा हूँ उसको, बट वो क्या मुझे वापस देख रहा है? अब चाहे वो महाराणा प्रताप ले लीजिए, चाहे वो ऋषि सिंह बेदी ले लीजिए, चाहे वीरांशु सिंघानिया ले लीजिए, चाहे सागर प्रताप सिंह ले लीजिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि वो मुझे देख रहे हैं और बोलते थे क्या हुआ चलो. लिटरली मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे बोल रहे हैं कि आओ करो जी, तो मुझे लगता नहीं यार मुझे करना पड़ेगा. मतलब बॉस, अब मैं, पता है, अब लोग मुझे कहते हैं कि यार, मैं अब ऐसे कहता हूँ कई बार कि लाइक शरद एंड मी आर वेरी टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, यू नो, इन द सेंस आई एम वर्किंग फॉर, यू नो, आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन व्हेन यू सी मी एट होम. लाइक पीपल हु नो मी, लॉट my media family, they've seen me grow over the years and they've seen me change also. To kahin na kahin, you know, log kehte hain yaar ye kaisi baat hui yaar, aap unke liye kaam kar rahe hain, but yes, I am somewhere, I think I owe him a lot. Kai baar I have deprived Sharad also of lot of things in life. To mujhe ab lagta hai shit, to halki se guilt bhi rehta hai ki main yaar you know, it's like two different kind of individuals living in the same body. To kai baar main kehta hu I'm catering to him, I'm it's my services to him. You know, nahi man karta kai baar kuch karne ka, but main kehta hu nahi kar lo yaar, you know, because then it's like, but many times aisa hota hai ki main apni baat sunta hu and but ji Sharad and me kind of have to come on a common ground, but yes, I think I'm somewhere just working for it. I surrender to it. I hope I'm getting. Yeah, no, no. But people, you know, who have that emotionally depth or who, you know, अपने आप को समझ चुके हैं, I can understand where you are coming from. I don't know. Yeah, definitely. Yeah? I definitely. I'm so glad you. I would not recommend that 100%, but definitely I can relate what you are saying. Yeah, yeah. I just have last two questions to ask you. You know, celebrities, reality shows का बहुत सहारा ले रहे हैं to gain fame, to gain money. आपने क्यों अब तक distance बना के रखा उससे? क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मैं रियलिटी शो करूं. मुझे रियलिटी शो देखने मजा आता है, बट मुझे लगा कि इवन द फेम एंड मनी कभी, ऑनेस्टली, वेरी वेरी ऑनेस्टली, यू सी, आई एम लविंग द फैक्ट दैट यू आस्किंग मी सच ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, बट अब मैं चाहता हूं कि बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं कि पैसा बहुत हो, फेम बहुत मिले, मुझे पता है बाय प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा है. मतलब एक थाल में इतना है कि आप बोलेंगे अरे शिट यार क्यों नहीं, यू नो दैट इज समथिंग यू वांट टू ग्रैब, बट नहीं हुआ है. मतलब अभी भी नहीं होता है. कई बार मतलब ऐसा होता है कि मैं कोशिश भी करता हूँ कि अपने ऑल्टर ईगो को बोलूँ कि कर लेते हैं यार, पैसा का बहुत बहुत तगड़ा पैसा आएगा और फेम भी आएगा सब कुछ आएगा, यू नो, बट फिर कहीं ना कहीं आई एम लाइक नहीं यार, आई रादर indulge and give myself to a character. Okay. You know, I can relate to a character. I can live
थ्रू दैट कैरेक्टर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, इन अ डिफरेंट डिमेंशन. जैसे मैंने आपसे कहा, मैं रियल लाइफ में बहुत अलग इंसान हूँ. आई एम अ वेरी क्वाइट, काम, कंपोज्ड टू एन एक्सटेंट दैट आई स्पीक वेरी लेस ऑल्सो. अनलेस यू सी मी इन इंटरव्यूज में बहुत बोलता हूँ, बट इफ यू सी मी इन रियल लाइफ आई लाइक टू स्टे क्वाइट, आई लाइक टू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड, बट माई कैरेक्टर स्पीक अ लॉट. मैं जितने कैरेक्टर्स बहुत बोलते हैं यार, तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए थोड़ा बचा के रखूं, बाकी तो आई एम बट आपको बिग बॉस के आई लव टू वॉच रियलिटी शोज, बट आपको बिग बॉस के आए जी, मुझे हर साल मुझे आई थिंक हर एक रियलिटी शो के एटलीस्ट फोन्स आते हैं और कॉल्स भी आते हैं, और नहीं मैं उनके मीटिंग्स भी करता हूं. अच्छा, मैं मीटिंग्स के लिए भी गया हूं और बहुत चीजें कई बार फाइनल भी हुई हैं, बट मैं लास्ट मिनट में बैकआउट कर जाता हूँ. तो उनको इतना पता है कि ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद शांति से बैकआउट कर जाएंगे. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट एंड आई लव वॉचिंग. कभी कभी अगर फ्यूचर में लगा कि मूड किया तो शायद, बट अभी ऑल दिस इयर्स में तो कभी. ओके, शरद आखिरी सवाल, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द लॉट ऑफ मीडिया वाज एक्चुअली वेटिंग. मुझे ये बताइए कि यू नो आपने फिल्म भी एक की है, जी, एंड आई एम श्योर आपने क्योंकि काफ़ी टेलीविजन किया था और जब आप फिल्म में गए, यू नो हमने अक्सर देखा है कि जब एक एक्टर जो कि जिसने टेलीविजन काफ़ी ज़्यादा किया, जब वो फिल्मों में जाता है, एक तो मुश्किलें होती हैं, एंड कई बार हमने देखा है कि उनको जो फिल्म्स मिलती है वो थोड़ी यू नो देर आर बोल्ड रोल्स एंड यू नो कॉन्सेप्ट वैसा रहता है, विच हैज़ हैपन विद अ लॉट ऑफ टेलीविजन एक्टर. वी न्यू जो फिल्म आपने की थी वो ऐसा कुछ वो स्पेस नहीं था, बट क्या आपने भी कुछ ऐसा सिमिलर फेस किया था या फिर आपके लिए कुछ अलग चैलेंजेस थे? देखिए पहले तो चीज़ें अलग थी, बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड. आई थिंक नाउ इफ आई मे से बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा स्ट्रक्चर सिस्टम हैज एक्सेप्टेड टेलीविजन एक्टर्स. ओके, आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल वुड बी इफ आई मे से बैक देन इट वाज मिस्टर शाहरुख खान, शाहरुख सर, एंड देन ऑब्वियसली सुशांत वाज देयर, अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक हु मेड द ट्रांजिशन and they walk through the window. जो window खुला तो निकल गए. तो I think अब obviously ज़्यादा I think welcoming हो गया. The lines are blurred. I think the lines are blurred. It's more welcoming now. I think they kind of accept you with open arms. But yes, कहीं ना कहीं back of the mind उनका रहता है कि यार इसने TV बहुत किया. But having said that, I think for me TV is my first love. जितना TV हमने किया, मतलब हम मतलब मैं टीवी की पूरी इंडस्ट्री, एक्टर्स, आर्टिस्ट, इफ आई मे से ऑन देयर बिहाफ, टीवी आर्टिस्ट आर एक्सट्रीमली टेक्निकली वेरी साउंड, दे गेट टू वर्क एवरी डे फॉर आवर्स, सो टेक्निकल, इमोशनली दे आर ऑन टू अनदर लेवल, यू नो, एंड दे नो द स्टफ एट द बैक ऑफ द हैंड. मतलब अगर आप किसी को बोलेंगे टीवी एक्टर को कि एंड द मेमोरी ऑल्सो, दे हैव अमेजिंग they can mouth their dialogues, and agar aap kisi unko 10 panne denge 5 minute padh lenge, but comparatively you know it's different what I've seen also. So I think a TV artist is a very seasoned artist, if I may say. He knows his stuff really well, he knows his shit really well, basically. If I may say, yeah, and he doesn't mix his words. Agar aap TV actor ko bolenge 12 ghante kaam, wo 12 ghante kaam karega aur aise karega. So I feel it's amazing. I think now, thankfully by the grace of God, I think जैसे मुझे मौका मिला, अभी भी काफी लोगों से मिलता हूँ, मैं फिल्म डायरेक्टर से, तो मैं बहुत, अब तो मैं चौड़े होके जाता हूँ यार, मैं टीवी एक्टर यार, बिल्कुल यार, you take me as I am, that's it. And I think now people somewhere, like I said, the lines are blurred, and people are accepting, appreciating, and welcoming TV artist. Right, right. Okay. So on this note, thank you so much. I love the questions. Thank you so much. Anything more to say to your fans? Questions. Yes, I think Filmi. Filmi yeah. Beat. Thank you so much. Yeah. I think all the viewers out there, and just as I said, Prabha is about the flow of life. Listen to your heart. Listen to your your intuitions. Follow your passion, and do not fear anything in life. Yes, it doesn't mean that you are stupid, but yes, just follow your heart and go all out. Thank you so much.